नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद शुक्ला, आप देख रहे हैं रिपोर्टर आनंद। दोस्तों, वक्त है दिन भर की बड़ी खबरों का, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारी खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, और अगर आप हमारी खबर को Facebook पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को लाइक ज़रूर करें। तो आइए नज़र डालते हैं प्रतापगढ़ ज़िले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं प्रतापगढ़ में हुए खाद घोटाले से। प्रतापगढ़ में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा कीमत की 21,000 बोरी डीएपी खाद भंडार नायक ने चोरी से बेच दी। मामले का खुलासा होने पर शासन से लेकर प्रशासन तक हड़कंप मचा है। पीसीएफ के जिला प्रबंधक ने भंडार नायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उसे निलंबित कर दिया। बता दें कि गेहूं की बुआई के लिए इस सीजन में भी जिले की तमाम शासन सहकारी समितियों पर एक बार फिर डीएपी समय पर नहीं आ सकी। जिले में डीएपी संकट को देखते हुए डीएम ने पुराने स्टॉक से 1055 टन डीएपी रिलीज करा दी। डीएपी गोदाम से तो निकल गई, लेकिन समितियों पर पहुंची ही नहीं। 74 समितियों पर भेजी गई 21,000 बोरी डीएपी कहां गई किसी को पता ही नहीं। समितियों का ऑनलाइन स्टॉक अपडेट न होते देख अधिकारियों ने पड़ताल की तो पता चला कि डीएपी वहां पहुंची ही नहीं। सहायक निबंधक सहकारिता अरविंद प्रकाश यह डीएपी जल्द ही समितियों पर पहुंचाने का दावा करते रहे, जबकि दूसरी तरफ समितियों पर 1055 मीट्रिक टन डीएपी पहुंची ही नहीं और किसान इंतजार करते रहे। जब अधिकारी समितियों की मॉनिटरिंग करने लगे तो गोदाम से भेजी गई डीएपी ऑनलाइन तो दिख रही थी, लेकिन समिति के सचिव उसे रिसीव नहीं कर रहे थे। जब सचिवों से पूछताछ हुई तो उन्होंने डीएपी मिलने से इंकार कर दिया, जिस पर भंडार नायक संतोष कुमार से पूछताछ की गई तो वह एक दो दिन में सभी समितियों पर डीएपी पहुंचाने का आश्वासन देता रहा। रविवार को भंडार नायक संतोष कुमार फरार हो गया और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। चोरी से बेची गई डीएपी की कीमत 2,52,00,000 रुपये बताई जा रही है। अब पीसीएफ के जिला प्रबंधक ने भंडार नायक संतोष कुमार के खिलाफ गबन धोखाधड़ी और जालसाजी की एफआईआर दर्ज कराते हुए उसे निलंबित कर दिया है। अगली खबर पट्टी कोतवाली क्षेत्र से है, जहां ठेकेदार के घर में एक युवक चोरी के इरादे से घुस गया। आहट पाकर ठेकेदार और उनकी पत्नी ने उसे दबोच लिया, लेकिन पकड़ा गया चोर हाथापाई करके भागने में सफल रहा। पट्टी कस्बे के सिविल लाइन्स निवासी रामजी श्रीवास्तव पीडब्ल्यूडी ठेकेदार हैं। बीते सोमवार की रात लगभग 9:30 बजे उनके घर में एक युवक चोरी की नीयत से घुस गया और कमरे के अंदर रखी अलमारी का ताला तोड़ डाला। इसी बीच अचानक ठेकेदार की पत्नी कमरे में पहुंची तो चोर भागने लगा। उन्होंने शोर मचाया तो रामजी श्रीवास्तव ने चोर को दबोच लिया और हाथापाई होने लगी। इसी बीच मौका पाकर चोर दीवार फांदकर भाग निकला। इस दौरान चोर का मोबाइल और जैकेट वहीं गिर गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मोबाइल और जैकेट कब्जे में ले लिया और मामले की जांच में जुटी है। अगली खबर मानधाता थाना क्षेत्र से है, जहां हाईवे पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। भोर से ही हाईवे पर पड़ी लाश देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की शिनाख्त का प्रयास किया, लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी। मृतक की उम्र 24 साल बताई जा रही है। उसके बदन पर स्वेटर और लोअर है। पुलिस का कहना है कि सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हुई है। वहीं स्थानीय लोग हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जता रहे हैं। अगली खबर महेशगंज इलाके से है, जहां फर्जी तरीके से मेडिकल स्टोर का संचालन करना युवक को महंगा पड़ गया। महेशगंज थाना क्षेत्र के तिरछा मोड़ पर फर्जी तरीके से पिछले कई सालों से बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर का संचालन प्रमोद पटेल नामक युवक कर रहा था। संचालक दवा बेचने के साथ ही खुद मेडिकल स्टोर में मरीजों को बिना डिग्री के इंजेक्शन भी लगाता था। आज ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर मेडिकल स्टोर के संचालक के भाई को पकड़ लिया और महेशगंज पुलिस के हवाले कर दी। अगली खबर मानिकपुर इलाके से है, जहां पुलिस ने एक युवक को बम के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मानिकपुर थाना क्षेत्र के ऐठू निवासी मान सिंह पुत्र राकेश बहादुर सिंह को वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने रानी मऊ नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया। उसके पास से 5 जिंदा बम बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ 4/5 विस्फोटक अधिनियम का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। अगली खबर फतनपुर थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने दुष्कर्म के वांछित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फतनपुर थाना क्षेत्र के कमासी नारायणपुर गांव का जीत लाल पुत्र जवाहरलाल दुराचार के आरोप में फरार चल रहा था। पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही थी। आज मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे सुबनसा बाजार में स्टेट बैंक के पास से गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।